आज लॉकडाउन के साथ साथ कर्फ्यू लगने से पूरा शहर सन्नाटे से लबरेज रहा, चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा रहा। वहीं आज शहर का जायजा लेने कलेक्टर और एसपी सड़कों पर उतरे और पूरे शहर का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर भरत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों पर ही नहीं रह रहे थे, जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने के आसार थे, जिसके चलते एहतियात बरतते हुए राज्य शासन के आदेश के बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं बताया गया कि कर्फ्यू लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। अति आवश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट रहेगी। कल की स्थिति में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिव जो 4 केस पाए गए थे, जिसमें 3 लोग एक ही परिवार के थे और एक व्यक्ति और थे। तो एक व्यक्ति और थे, उनका तो मतलब जो उनका क्वारंटाइन था, होम आइसोलेशन था, उनने बहुत अच्छे से किया, इसीलिए उनकी वजह से ज़्यादा नहीं संक्रमण हुआ। लेकिन जो ये परिवार था 3 लोगों का, इनकी वजह से कल तक 2 लोग और पॉजिटिव हुए और भी जो लोग हैं इनके संक्रमण वाले, उनको कुछ को हमने हॉस्पिटल्स में रखा हुआ है, सिम्टम्स आने पे उनका सैंपल लिया जाएगा। तो मेन तो वो सोर्स वही है हमारे यहाँ, लेकिन और भी बहुत सारे लोग विदेश से आए हैं जिनको हमने होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है, तो उसका हम सख्ती से पालन भी करा रहे हैं, उनके हाथ पे भी सीट लगा रहे हैं, होमगार्ड का हमला भी घर के बाहर लगा रहे हैं और उनकी जो लोकेशन है उसकी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक जो है बैनर भी उनके घर के बाहर लगा रहे हैं कि होम क्वारंटाइन वाला घर है। तो ये स्थिति है और लेकिन जो होम क्वारंटाइन में है वो बाहर ना निकलें। जो लोग संक्रमित हुए हैं उनको तो जो पॉजिटिव आए हैं उनको मेडिकल कॉलेज में रखा गया है, जो जिनके ऊपर लेको संशय है उनको हॉस्पिटल में या सुखसागर मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने जो बनाया है क्वारंटाइन सेंटर वहाँ रखा गया है। तो कोशिश यही है कि जो संक्रमण है उसको कंटेंट किया जाए और कर्फ्यू लगाने से, धारा 144 लगाने से इसमें और सख्ती होगी, तो निश्चित तौर पर हमारे लोगों की कोशिश है कि संक्रमण को कंटेंट किया जाए। सर लगभग कितनी टीमें लगाई गई हैं? 11 टीमें थानावार लगाई गई हैं, जो कि जो है फोन आने पर संबंधित एरिया में संक्रमित जो संभावित लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन करती हैं, उनका टेस्ट करती हैं और ज़रूरत आने पे उनको विक्टोरिया ले जाना है, सुशागर ले जाना है, वहाँ ले जाएंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी कर रही हैं, उनकी हेल्थ की भी मॉनिटरिंग कर रही हैं और वो बाहर ना जाए इसकी भी मॉनिटरिंग कर रही हैं, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य का हमला भी है, प्रशासन का हमला भी है और पुलिस का हमला भी है।